एक माँ अपने हक के लिए अपने ही बेटों से लड़ रही है और कहा कि मेरे पैर में चेन, हाथों में रस्सी और मुंह पर टेप लगाकर एक कमरे में बंद कर दिया करती थी। तफसीलात के मुताबिक 70 साला ज़ईफ़ खातून वाजिदा बेगम को, जो सईदाबाद में रहती है और उनको 4 बेटे हैं जिनके नाम इम्तियाज़ अली, बरकत अली, एहतिशाम अली और एजाज अली हैं, अपने हक के लिए आज वो बेगम बाजार आरटीओ कोर्ट पहुंची थी। कोर्ट ने उनके 4 बेटों को भी बुलाया था। कोर्ट ने कहा कि वो हर महीने 13,000 रुपये अपनी माँ को दें, मगर उन 4 बेटों ने कहा कि हम 4,300 रुपये ही देंगे और वही आडियो कोर्ट हॉल में आडियो के सामने अपनी माँ को पागल कहा और गाली गलौज भी की और उनके साथ ठहरी खातून जो इलाके में ही रहती है उसे भी गाली दी और जान से मारने की धमकी भी थी। वही बात को लेकर आज वाजिदा बेगम ने बेगम बाजार पुलिस स्टेशन पहुंचकर इसकी शिकायत दर्ज करवाई। मैं ऐसा रुक रही थी तो उन्होंने बोले ऐसा ऐसा ये कर रहे तो मैं कितने पैसे डाल रहे तो मतलब सर 2 मजिस्ट्रेट मेरे तरफ फैसला कर दिए, ये लोग मान रहे नहीं, हर वक्त अपील कर रहे हैं दूसरे दूसरे कोर्ट में, अभी भी ये दूसरे मजिस्ट्रेट भी कई के लिए डाली आप कोर्ट में। मेरे को बहुत सताए बेटे, बहुत कौन सता रहे आपको? मेरे बेटे 4, क्या नाम है? बड़े का एजाज अली, उसके बाद इम्तियाज अली, उसके बाद एहतिशाम अली, उसके बाद बरकत अली, क्या बोल के सता रहे? और बहू का नाम उमा इकबाल जी। बहुत करे मेरे साथ, बहुत परेशान करे। अच्छा फिर उसके बाद 2013 में निकाल दिए मेरे को, फिर उसके बाद में 2015 में मेरे को लेकर गए, सो मैं लेकर समझा करके जान दो बच्चे ये करो, नहीं मैं बोली मैं नहीं मानती मैं नहीं करती बोल के मैं बोली, तो बोले नहीं नहीं चलो माफ़ी चाहते हो चाहते बोल के हमारे को लेकर के गए घर को। कहीं भी निकले आपको घर के बाहर? घर के बाहर वो बीवी आ गई, बीवी जैसा सिखाते थे वैसा बोलते, चारों बेटे चारों बेटे का एक नहीं करे, मगर बड़ा बेटा जो है ना चारों बेटे कमाए घर बनाए करे, अब घर अपने नाम पर कर लिया बड़ा बेटा, सॉलिड अपने नाम के ऊपर में कर लिया, अब इन लोगों के नाम से करो बैठो नहीं करते, इन लोगों ने बोले जान दो नहीं करते बता आज नहीं तो कल करेंगे, अपना पूछिए बीच में तो मैं बोलना छोड़ रही हुआ। मेरे को घर से एकदम निकाल दिया बाहर, तो चबूतरे के ऊपर में गाड़ी के ऊपर में डाल दिए, 2 दिन में वहाँ रही, 2 दिन में वहाँ पर रही करी, फिर उसके बाद में मैं निकल के घर गई तो इन लोगों का सहारा मिला। कौन दिया सहारा आपको? ये आपके पड़ोसी हाँ पड़ोसी वैसे अधूर जो है, मगर दोस्ती 25 साल से आपके हमारे हस्बैंड से जब से ही एकदम दोस्ती थी उनसे, उन लोगों से तो उन लोग मेरे को एकदम सहारा दिए, वो करे रूम दिलाए, रूम में रखे एक रूम में हूँ, वो रूम में आकर के मेरे को 2015 में लेके गए। लेके जाने के बाद में क्या करा सर, फिर उसके बाद में 2 महीना 17 दिन अच्छा रखा, पूरे खानदान में ससुराल में मशहूर कर दिया कि मैं पागल हूँ पागल हूँ, जब मेरे को फूसला मना के महल के लोग भी समझाए समझा के मेरे को घर को एकदम भिजा दिए, घर को बच्चों के साथ में जा दिए, तीनों आ करके सामान वामान जो भी था मेरा लेकर के चले गए। मैं बोली मैं अभी नहीं आती, ईद के 8 दिन 15 में ईद के 8 दिन पहले 8 दिन हो गई थी ईद लेकर के गए, मैं बोली मैं अभी नहीं आती, मेरे पास मैं कपड़े सिलाई करके ज़िंदगी गुजार रही, मेरे कस्टमर के कपड़े बहुत है कपड़े। आप क्या कर रहे हैं रूम में रह के, इसलिए जब रह रहा हूं मैं सिलाई करके रह जी, अब आपका बहुत कर रहे हैं जी, आपको सिले करके फोटोज भी है साथ में, आपको सिले रहे जी, और मैं अपनी सीलिंग सर अकेले रहते हैं आप, अकेले रहती हूं। आपके बच्चे क्या बोल रहे हैं आपको? अभी घर पे आके धमकियां दिए, बाजू वाले बहुत समझाए, तो जब से 2 साल से मेरे पास में नहीं आ रहे। क्या बोल के धमकियां दे रहे थे? मार देते हमारे सालों को, करेंगे केस उठा देंगे, केस उठा लो नहीं तो फिर अच्छी आप क्या केस डाले लोगों के ऊपर? मेरा हक मांगने के वास्ते, खाने पीने के गुजर के वास्ते बोल करके पैसे दे बोल करके, तो नहीं देते बोले, नहीं देते बोले, जब मजिस्ट्रेट फाइनल करे तो मेरे को फाइनल करे तो फिर दूसरे जगह डाले, दूसरी जगह डाल करके फिर हम नहीं देते बोल करके वो मजिस्ट्रेट के ऊपर में 3,000 रुपये। साल जब तक केस रहा हमारा? हमारा बेटे एकदम 13 से हिसाब करना, 2013 से केस चल रहा था, पूरा सोना ले लिए, सामान ले लिए, सब ले लिए, फिर दोबारा 2015 में ले आके कस्टमरों का सामान ले लिए, पूरा लिखा हुआ है कोर्ट में मेरा। कितने जो है ना, कितने बेटों की शादी हुआ आपके? एक बेटे की शादी हुई थी, कमाता हुआ बच्ची हमारे पसंद की है, समझे ना, पसंद कर लिए, करा दिए कर लिए, उसके बाद से 2 महीने के बाद से शादी के 2 महीने के बाद सिर्फ पूछ रहे घर में, नहीं हक के लिए आप अपना पूछ रहे हो? हाँ, मेरा सामान अलग रह रहे तो भी आपको रहने दे रहे हैं? नहीं रहने दे रहे थे, नहीं रहने दे रहे थे, वहाँ पूछा जाओ पुलिस स्टेशन में 2500 एप्लीकेशन आए,
और बुला के समझा करके वो आज क्या करें आपके हस्बैंड आज ये मैं आखिर देख के दोनों को दोनों में इसे कर दो नहीं तो अब यहाँ हाईकोर्ट में हाईकोर्ट का अभी नहीं आया सर एकदम अभी आज क्या करें आज एकदम ये आर डी ऑफिस वाले 3 महीना पहले इलेक्शन था ना जब मैं एप्लीकेशन दिखा माँ अभी एप्लीकेशन दिए आप ले लो हम काम में लगे हुए हैं आपको लेटर भेजते जब आना बोलते लेटर भेज दीजिए 8 दिन पहले आज का डेट था है जी आज का डेट था तो मैं आज एकदम गई इंटरव्यू लेके अभी दवाखाने से अभी नहीं जी क्या बोले आरडीओ में क्या बोले आप आरडीओ में गए तो आरडीओ बोले क्या हुआ एकदम ऐसा कैसे एकदम करे बोलते उन लोगों को पूछे तो बोले साहब हम लोग 4,300 रुपये डाल रहे तो मैं बोला नहीं सर मैं काबू लाना भूल गया 3,000 रुपये डाल रही अब ये 2-3 महीने से मैं बैंक गई नहीं 2-3 महीने में अगर 1,800-1,300 रुपये एक्स्ट्रा करे तो वो मेरे को नहीं मालूम मैं ला के आपको बताती क्यों ऐसा एकदम कर रहे हैं बोल के उन्हें सोप पढ़ करके लिखने लगा तो वो हम मेरे को बोले ये औरत पागल है वकील के साथ आए थे लायर के साथ तो ये औरत पागल है इन्हों पागल है बोले मेरे को तो मैं बोला मैं कहीं को पागल हूँ तुम्हारे 7 केस चल रहे हैं सैदाबाद पी एस में आप ही लड़े थे साथ नहीं नहीं दूसरे दूसरों से लड़े अब जस्ट एकदम मस्जिद में एकदम शाम एकदम मस्जिद में खूना खूनी मारम पीटी एकदम हुआ आपके साथ आरडीओ ऑफिस में क्या क्या गाली क्या बोले उन्होंने मैं बोली बोले तो उन्होंने बोले कि जो है देख के तो 12,000 ठकी बोले मैं बोला कुछ सबूत दीजिए सर बैठो आपके पास लेटर आ जाएगा मैं दिखा तो नहीं हम नहीं देते हम नहीं था हम 4,300 दे रहे उनको नहीं देते बैठो उन्हें डांटा इन लोगों को डांट के बोला गुस्सा करके बोला कोर्ट का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर के हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ सरकार और एक भाई कहाँ है वो बोला उसको भी सहन लिया फिर तीसरे को भी बोला सहन लिया फिर चौथे को भी बोला सहन ले लिया हम लोगों का वहाँ चल रहा केस हाईकोर्ट में तो उन्हें बोला वो हाईकोर्ट का हाईकोर्ट में चलने दो यहाँ का यहाँ है मैं तो ये निकल बोल कर लिया उन्हें भी बोला खाऊं बैठो ना कुछ गड़बड़ करो खाऊं बैठो अब इसका सर वो देख के पढ़ के लिख रहे थे उन्होंने तो मेरे को क्या पता चलता है इन्होंने पागल है हमारा हाईकोर्ट में केस चल रहा वो कर रहा हम चारों का एक संग करें वो उनसे बात करा फिर इनको बोला ये पैसे खा ले रही 4,000 उठा के हम ये पागल हो रहा तो उनको दे रही उन्होंने अपना एकदम ले ले रहे इनसे दीवाना बना के क्या होता था तेरे को तो ऐसा मारूंगा चप्पल उठा के मारूंगा ओके चप्पल उठा करके पैर नहीं करके तो आरडी ऑफिस वाला और उसके साथ वो रहते नहीं पेपर आते थे खाऊं बैठो बाबा खाऊं बैठो ऐसा नको करो अभी आप क्या चाह रहे गाली दिया आप जो लड़े अभी आप क्या चाह रहे मैं अपने हक के वास्ते एकदम बुलाए तो मैं आपको क्या होना क्या हक मेरा माधुरी हक जो भी है एकदम देना ना सर मैं क्या आपका खर्चा देना पड़ेगा तो उन्होंने मैसेज लिखे शायद आगे ऑफिस वाले लिखे जी। देंगे बल करके तो हमारा वहाँ चला तो वहाँ का वहाँ समझो यहाँ ये मैसेज का वहाँ लायर को लेके आया था उन्हें हमारे लायर नहीं है बाहर ठीक है अभी आपको हक अभी आपको क्या होना वो बोलिए आप वो हमारे मजिस्ट्रेट दोनों जो मेरे फेवर में करे 15,000 रुपये 14,000 रुपये दो आँख का ऑपरेशन का दो और वो दो क्या बोलते 3,000 रुपये बीमारी के दवाइयों के वास्ते दो 4,000 रुपये किराया दो बोल के मजिस्ट्रेट हम पास कर दिए तो उन्होंने देते बोले उन्होंने दिया थे 3,000 से कम 4,000 से कम नहीं देते बोले तो मैं क्या करूँ बोलो 3,000 की दवा खाऊं 3,000 रुपये किराया दूँ या 3,000 में खाऊं क्या करूँ मैं बोलो अगर मैं कल गिर गई 9 करोड़ की बिल्डिंग है आरडीओ ऑफिस कलेक्टर ऑफिस वाले आके पुलिस वाले पूरा फोटो लेके गए आपके 9 करोड़ की जायदाद है वो मेरे को ऐसा देख के बाहर ऐसा ढकेल दिया देख के उन लोग खटाखट फोटो लेके कोर्ट में गए आपकी जायदाद क्या से आपके साथ इन लोग ऐसा कर रहे हैं इसके पीछे कुछ और आप लोगों का नहीं हम लोगों का कुछ भी नहीं सर प्रॉपर्टी क्या से कर रही है बीवी के बातों में जी शादी लेट में हुई करो करो बोल के जबरदस्ती करा बीवी और ससुराल दोनों ही सुनो आपके तीनों बेटे कुछ भी नहीं बोल रहे फिर आप कुछ भी नहीं बोल रहे उन लोग भी उनके साथ इतने गालियां मेरे को ऐसे गलत गलत दिए मेरे को जबान से लाने के आपसे शर्म आई सर आपकी औलाद समझना हमारी औलाद बी के सामने एक बहू के सामने एनी टाइम मेरे को फेस करना पड़ता उसको सामने खड़े के मेरे को गालियां दे तो मैं उसका फेस कैसा करूँगी बोलिए आप मेरे को समझे ना अच्छा मजिस्ट्रेट पूछे तुम्हारी माँ को तुम ले आके रख लो एक कमरा दे के रखो बैठो मैं भी एग्री नहीं हूँ हमारे भाइयाँ भी एग्री नहीं है हम उनको नहीं रखते हैं तो मैं बोली मेरे को इन्हें क्या नहीं रखेंगे सर मैं खुद मेरे कुछ मेरे वजन के हिसाब से रुपया तोड़ के भी डाल के मेरे को चल के घर में रखो बने हाथ बन दिया रस्सी से सर मुँह में पैर में चैन बांधा 2015 में हम सास से मिले मैं बोली मैं नहीं मिली कंप्लेंट नहीं करे आप फिर बंद कर गए तो दिया सर दिया सर उनसे पीएस में दिए सैदाबाद पीएस में दी कंप्लेंट नहीं हुआ फिर वो बुला के समझा दे रहे हो क्या कर ले रहे हैं कि पुलिस वाले समझ में नहीं आता कंप्लेंट दिए तो दिए एक कंप्लेंट नहीं है मेरा 2500 रोड पे आके धमका है सो वो भी कंप्लेंट है मेरा
हर कंप्लेन है, मगर वो पुलिस वाले वो नहीं, अब से नहीं करेंगे अम्मा, उन लोगों को हम समझा दिए करेंगे। माँ बेटों का हिसाब है, अब जाके परसों फिर एप्लीकेशन दे करके आएंगे। आप लोग कुछ एक्शन नहीं ले रहे, कुछ नहीं बोले तो मेरे को दो दिन पहले फ़ोन आया वहाँ के, आओ बोल कर बच्चे आ रहे हैं, आओ आपका एकदम बात ही जाएगा। तो मैं बुखार, एक बुखार है मेरे को, समझना चाहता। ठीक है, अभी आप, आपके जो बच्चों में कंप्लेंट दिया, अब एक्शन सैदाबाद पुलिस ने ली? नहीं, अभी कहाँ गए, अब गई नहीं ना, पहले तो यहाँ इससे पहले के केसों में नहीं लिए कोई, महीने में भी पाँच है, अभी जस्ट मस्जिद में एक महीना हो रहा, उन्होंने को ज्यादा छूट छूट कर रहे, पूरा महिला मेरे साथ है, मगर क्या बोलते ये लोग एकदम नहीं, मजिस्ट्रेट का बात नहीं मान रहे, सरकारों का बात नहीं मान रहे, तो आप किसका बात मानेंगे? उन लोगों को पनिशमेंट मिलना चाहिए।